कर्नाटक में कुछ ही महीने बाद ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में चुनावी पार्टियां वोटरों को लुभाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। और चुनावों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी कर्नाटका के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटका बेलगावी पहुंचे और यहाँ क्रांति समागम का शुभारंभ किया और चुनावी रैली को संबोधित कर कई बड़ी घोषणाएं भी की कि बीजेपी की सरकार आपको रोजगार नहीं दे पा रही है, आपको कष्ट हो रहा है, आपको मुश्किल हो रही है, इसलिए हमने ये आपके लिए कदम उठाया है। 3,000 रुपए हर महीने ग्रेजुएट्स के लिए, 1,500 रुपए हर महीने डिप्लोमा होल्डर्स के लिए 2 साल के लिए, और हम वहां नहीं रुकेंगे, हम वहां नहीं रुकेंगे। 10 लाख युवाओं को कांग्रेस पार्टी की सरकार 5 साल के अंदर इस स्टेट में रोजगार दिखा के देगी, और 2.5 लाख जो सरकारी वैकेंसीज हैं उनको हम पूरा करके भर के कर्नाटक। इतना ही नहीं, रैली को संबोधित करते वक्त राहुल गांधी ने यह दावा किया कि इस बार कर्नाटका विधानसभा चुनाव में कांग्रेस क्लीन स्वीप करेगी। जो वायदा सरकार ने किया है एससी रिजर्वेशन को 15% से 17%, एसटी रिजर्वेशन को 3% से 7% जो बढ़ाने का वायदा है उसको एकदम सरकार को पूरा करना चाहिए। तो ये हमारा मैसेज है, हम एक साथ चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस के सब नेता एक साथ लड़ेंगे, और ये जो चुनाव है ये कांग्रेस पार्टी स्वीप करके दिखाएगी। साथ ही साथ रिजर्वेशन को लेकर भी कांग्रेस ने अपनी बात रखी। तो वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी चुनावी रैली को संबोधित किया और ऐसे भारत की बात कही जहां गरीबों की आवाज का महत्व होगा। मैं ऐसे भारत के निर्माण के लिए कोशिश करूंगा जिसमें गरीब से गरीब आदमी भी महसूस करेंगे कि ये देश उनका है, इसमें उनकी आवाज का महत्व होगा, जहां ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होगा तथा स्त्रियों को भी वही अधिकार मिलेंगे जो पुरुषों को प्राप्त होगा। गौरतलब है कि मार्च के आखिरी हफ्ते में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है और हाल ही में चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार भी कर्नाटक के दौरे पर थे। यहां चीफ इलेक्शन कमिशन ने बताया कि कर्नाटक विधानसभा का कार्यकाल 24 मई 2000। इफ यू लाइक इट प्लीज प्रेस द लाइक बटन, शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज सब्सक्राइब टू इंडिया न्यूज़ टीवी फॉर मोर सच अपडेट्स।